सीरीज सीजन 3 का ये दूसरा दिन है। दूसरा दिन का ये पहला मैच है जो कि ब्रोकन हार्ट वर्सेस वीकेआई टीम। भाई वीकेआई के बंदे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। कस्टम के चैट में भाई सामने ब्रोकन हार्ट को बहुत ललकारा है। देखते हैं ब्रोकन हार्ट उनसे बदला ले पाती है या नहीं। और यहाँ गेम ओवर आगे बढ़ रहा है। बहुत ही ओपी प्लेयर है ये। वो भाई वन टैप के लिए डेजर्ट टिकल तो रेडी है लेकिन बंदे कहीं दिख नहीं रहे। और यहाँ प्लैनेट अर्थ। ओ भाई अरे अरे ब्लू वॉल में खुद ना फंसो, दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ बंदे लग रहे आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बंदे है, कहाँ फाइट हो रही है, बंदे नहीं दिख रहे। ओ भाई बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओ भाई लो लिमोट दिखा दिखा के मारेंगे ये तो। एक और बंदा हुआ, अरे मिस्टर प्रतीक हो गया नॉक। गेम ओवर ने आरके गेमिंग को किया खत्म। और फक वह ने किया प्रतीक को खत्म, लेकिन बदला हुआ पूरा। फक भाई भी खत्म हो गया। एजी हार्ट ने किया खत्म उसे। अब सिर्फ बाकी है नू ओपी, हम सिर्फ इसे देखते हैं। और ये तो लग रहा है ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। भाई क्या कर रहा है ये। और यहाँ नू ओपी हो गया एलिमिनेट। और यहाँ पहला राउंड जीती ब्रोकन हार्ट की टीम। अभी बहुत राउंड बाकी है और इसमें हाईएस्ट किलर का क्या ही बोले, इसमें कोई हाईएस्ट किलर नहीं है। सारे बंदे इक्वल किल किए हैं, एक एक किल। मिस्टर प्रतीक थोड़े सस्ते में निपट गए हैं। मिस्टर प्रतीक वाईटी, ये वाली शॉटगन की स्किन भाई सब कोई निकाल रहा है क्योंकि ये थोड़ा जल्दी निकल भी जा रहा। लेकिन एक बंदे का तो भाई 2800 डायमंड लग गया था इसको निकालने में। पूरी तरह से लूट लिया उसको। एजी हर्ट इस साइड से आगे बढ़ा। ओ भाई बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ। अरे क्या ही कर रहा है ये। सो गया ग्लूवर लगाने में। और यहाँ फक बॉय का हुआ फर्स्ट ब्लड। ओ भाई फक बॉय पहुँच गया दो गेम पे। आरके गेमिंग उधर हो गया ख़त्म। मिस्टर प्रतीक को पहला किल मुबारक। नू ओपी भी ख़त्म, गेवो होने कर दिया ख़त्म। और बीकेआई गेमिंग को देखते हैं। बीकेआई ने मिस्टर प्रतीक को दिया है शॉट। फक बॉय भी उधर हो गया है नॉक। अब बीकेआई गेम में अकेले बचे हुए हैं। गेम ओवर का हुआ डबल किल। ओ भाई तीन किल पे हाईएस्ट किलर वही है। और यहाँ ट्रिपल किल हुआ गेम ओवर का। और चार किल पे भाई पहुँच चुका है हाईएस्ट किलर इस मैच का। अभी भी बहुत राउंड बाकी है और यहाँ दो राउंड जीत गई ब्रोकन हार्ट की टीम। बहुत ही शानदार मुकाबला। यहाँ अपोजिट टीम में यार नूब ओपी, नूब ओपी और आरके गेमिंग, ये दोनों बंदे भाई अभी भी जीरो किल पे हैं। टीम है संकट में, तो थोड़ा संकट मोचन बनो। और यहाँ ब्रोकन हार्ट क्या इस पूरे मैच का हाईएस्ट किलर है। गेम ओवर। ओ भाई ये गेम ओवर तो निकल गया है अकेले। पीछे पीछे एजी हार्ट भी आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप पहले थोड़ा गेम पे कंसंट्रेट कीजिए, उसके बाद इमोट होते रहेंगे। और भाई गेम ओवर हो गया नॉक, ले गया इसे तो। और फक बॉय ने किया गेम ओवर को ख़त्म। यहीं पे सारे बंदे हैं। प्लैनेट अर्थ भी वहीं पहुंच गया। मिस्टर प्रतीक भी पहुंच गया। ओ भाई और यहाँ मिस्टर प्रतीक ने किया को नॉक और खत्म। आरके गेमिंग हो गया खत्म। ओ कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ। ये लग रहा बॉट बन गया आई थिंक। अरे नहीं भाई बॉट क्या, यहाँ नूब ओपी का हुआ ट्रिपल किल। और यहाँ पहला राउंड, पहला राउंड भाई जीत गया बीकेआई की टीम।
ओ भाई, यहानू वो पीते एक ही बार छा गया ट्रिपल किल करके। बिल्कुल सही टाइम पे सपोर्ट दिखाया, और यहाँ फक बॉय है 3 किल पे। भाई कितना अश्लील लौंडा है ये, क्या ही क्या सुबह सुबह नाम बुलवा रहा है। मेरे लिए तो भाई यही सुबह है, जब जागो तब सवेरा। लेकिन अभी भी हाईएस्ट किलर गेम ओवर है, उसके बाद तो ये नू ओपी और फक बॉय। लेकिन आरके गेमिंग अभी भी भाई 0 किल पे, यार ऐसे कैसे चलेगा। ओ यहाँ पे सब सब घात लगा के बैठे हुए, पीछे से कर रहे हैं अटैक। इधर कोई बंदा है नहीं, अभी तो कोई हुआ नहीं है नॉक। और यहाँ गेम ओवर पहुंच गया पीछे। ओ भाई प्लैनेट अर्थ हो गया है नॉक, और फक बॉय का हो गया फर्स्ट ब्लड। भाई बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ। गेम ओवर के सपोर्ट में बाकी टीम को भी आना चाहिए, लेकिन बाकी टीम पहुंच नहीं रही है यार। और यहाँ पे बहुत अच्छे से सटा कर दिया, गेम ओवर हुआ यहाँ खत्म। और यहाँ कौन बचा है भाई, पकड़े बाकी यार के गेम हो गया नॉक और खत्म। एजी हट का हुआ डबल किल। अब यहाँ फक वैसे तो इसी पे कंसंट्रेट करते हैं अभी। ओ भाई ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ एजी हार्ट ने हेडशॉट दिया भाई, ट्रिपल किल, ट्रिपल किल करके 4 किल पर पहुंच गए। और यहाँ पे 3 राउंड जीत गए ब्रोकन हार्ट की टीम। लेकिन अभी भी फक वो है हाईएस्ट किलर 5 किल के साथ। ओ भाई कुछ ज्यादा ही नाम जो है, लग रहा है कि सही नाम रख लिया है अपना। बिल्कुल सामने की टीम की चड्डी फाड़ दे रही है, लेकिन फिर भी अभी बीकेआई टीम है पीछे, क्योंकि बाकी बंदे सपोर्ट नहीं कर रहे। और यहाँ आगे आगे चल रही है ब्रोकन हार्ट की टीम, 2 राउंड से आगे है। ओ भाई ये बंदा कंफ्यूज है अपने आप में, इससे जाना कहाँ है। और गेम ओवर यहाँ चढ़ गया फैक्ट्री पे। और ये प्लैनेट अर्थ भाई फिर अकेला जा रहा है, फिर अकेला जा रहा है। यहाँ सारे बंदे होंगे, घेर के मारेंगे फिर। ओ भाई गजब का है, और वहाँ पे यार खुला छोड़ दिया था। और आरके गेमिंग को पहला किल मुबारक। यहाँ मिस्टर प्रतीक, ओ भाई, और एजी हार्ट ने बीकेआई गेमिंग को किया खत्म। सिर्फ 1 बंदा बाकी है, बंदा बचा ही नहीं है। डबल किल हुआ एजी हार्ट का फिर से, और ये बन गया भाई हाईएस्ट किलर। 6 किल पर पहुंच गया है जी हार्ट। ब्रोकन हार्ट की टीम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रही है। बीकेआई टीम जैसे कस्टम्स में दावा किया था भाई चैट में, बिल्कुल भी वैसा शो नहीं हो रहा। हालत तो उन्हीं की ख़राब हुई है, वो बोल रहे थे ब्रोकन हार्ट का करेंगे हालत ख़राब। अभी बिल्कुल सही टीम सपोर्ट दिख रहा है ब्रोकन हार्ट की टीम में, लेकिन यहाँ पे भाई साथ में रह के अभी टीम बिखरे जा रही है बीकेआई टीम। ये बहुत गलत है, लेकिन अरे 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 भाई P90 शॉर्ट रेंज के लिए होता है, ज़्यादा लॉन्ग रेंज उससे यूज नहीं कर सकते। अरे देखो वहाँ सामने बंदा था, उसके तौर से मार सकता था उसको। यार 2 बंदे यहाँ उठ पे कर लिए हुए हैं, फिर भी वहाँ पर सारे बंदे बच गए। आरके गेमिंग देखते हैं, आरके गेमिंग पहुंचा हुआ छत पे, शॉटगन से मारेगा भाई। ओ भाई और गेम फक हो गया खत्म। प्लैनेट अर्थ ले गया यार उसको, सारे बंदे यहीं आ गए।
और प्लानट अर्थ के ऊपर डबल किल यार भाई, मतलब ये क्या ही चल रहा है। यहाँ पे 5 राउंड जीत गई ब्रोकन हार्ट की टीम और एजी हार्ट अभी भी हाईएस्ट पे 7 किल के साथ, मतलब एकदम मजाक बन गया है कि बात। सारे बंदे एक साथ थे, 3 बंदे गए वहाँ सब खत्म करके आ गए। चलिए चलिए गेम पे कंसंट्रेट कीजिए। बीके गेमिंग तो भाई आराम से बैठ के यहाँ से कर रहा है स्नाइप, वुड पेकर भी लेकिन कमाल की चीज है, हेड लगाया तो गया। सामने की टीम कर चुकी है 10, प्लानेट अर्थ पहुंच गया यहाँ। ओ भाई यहाँ एक और बंदा है, बहुत शानदार गेम प्ले। बहुत बढ़िया है ये भाई, प्लानेट अर्थ का वो यहाँ ट्रिपल किल एकदम खचड़ा बना दे रहा है सब। और प्लानेट अर्थ भी पहुंच गया है जी हार्ड के पास, 7 किल हाईएस्ट किलर, गेम ओवर है जस्ट पीछे 6 किल। ओ भाई मतलब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और यहाँ पे 6 राउंड जीत गई है ब्रोकन हार्ट की टीम, बस 1 राउंड ही जीत पाई है अभी तक बीकेआई की टीम। देखते हैं यहाँ पे ब्रोकन हार्ट की टीम क्या करती है, या तो ये भी हो सकता है आधा फाइट लेके वो एलिमिनेट हो जाए किल बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं। देखते हैं इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। और यहाँ प्लानेट अर्थ आगे आगे, ओ भाई बगल से पड़ा टायर, छत पे तो नहीं है, ऊपर बंदा है, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ, हेल्थ बढ़ाना ज्यादा अच्छा है। उधर हो गया है फाइट, मिस्टर प्रतीक वाइटी हो गया। अरे भाई जाना कहाँ गया। ओ भाई बहुत शानदार गेम ओवर ने फॉक बॉय को किया खत्म और यहाँ हुआ एलिमिनेट। ओ भाई सारे बंदे हो रहे एलिमिनेट, सारे के सारे हो रहे एलिमिनेट। ओ भाई और यहाँ पे वही हुआ है लास्ट में किल दे रहे हैं, सामने वाली टीम को मौका नहीं, ये बस किल कर रहे हैं, किल बढ़ाने के चक्कर में है क्योंकि किल पे है 5 पॉइंट्स। और यहाँ हाईएस्ट किलर भाई बन गया प्लानेट अर्थ 8 किल पर, उसके ठीक पीछे जी हार्ट और गेम ओवर 7 किल पे। लेकिन बीके टीम के तरफ से हाईएस्ट किलर जो है फकवो है 6 किल, उसके बाद है नूबो पी और यहाँ मैच राउंड स्टार्ट होता है फिर से वो सोचेंगे किल बढ़ाने का। वैसे इनके पास एक अच्छा मौका भी है, वो लोग किल बढ़ाने की कोशिश में और यहाँ गेम ओवर अकेले खत्म तो नहीं हुआ, बच गया। ओ भाई यहाँ नूब ओपी टीम अकेले बाकी है, और मिस्टर प्रतीक का वो ट्रिपल किल और ये मैच ही खत्म हो गया यार। यहाँ पे मतलब क्या ही बताऊँ, इसको कहते हैं टीम सपोर्ट। गेम ओवर प्लानेट अर्थ और मिस्टर प्रतीक दोनों तीनों प्लेयर जो है 8-8 किल पे हैं और एजी हर जस्ट पीछे 7 किल पे। सारे प्लेयर ओपी खेले भाई और यहाँ बुया ले लिया ब्रोकन हार्ट की टीम। अब मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय। और यहाँ पे हेमलिस गेमिंग क्लास स्क्वायर सीरीज सीजन 3 में आप सबका स्वागत है और ये है डे टू है, लेकिन मैच है दूसरा जो कि है फायर आर्मी वर्सेस नूब गेमर।
नूब गेमर के साथ भाई प्रो 30 प्लेयर्स की मैच थी, लेकिन प्रो 30 प्लेयर वाले बंदे इतने लापरवाह है कि क्या ही बोलूँ मैं। ना टाइम से ऑनलाइन आया कि व्हाट्सअप पर या फिर नॉर्मल कॉल से भी कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया, किसी ने रिसीव नहीं किया। तो फिर फायर आर्मी था रिप्लेसमेंट टीम, इस वजह से इसे मैंने कॉन्टैक्ट किया और ये आ भी गए, लेकिन आखिरी टाइम पर इन्हें पहले मालूम था नहीं, जिसके वजह से मैच 3v3 हो रहा है, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर प्लेयर ही खेलेंगे, दोनों टीम के तीन ही प्लेयर ऑनलाइन थे, इसलिए 3v3 हो गया। ओ भाई बहुत शानदार। एनजी कैप्सन भाई एक बार ये रिकॉर्ड तोड़ा था, 14 किल किया था, लेकिन इसका रिकॉर्ड भी टूट गया है, गैस का ही बलराम ने तोड़ा 16 किल। मिस्टर आयुष यादव का हो गया डबल किल। अब यहाँ मैच हो गई है 1v2। ओ भाई हो गया एलिमिनेट दोनों, और यहाँ पहला राउंड जीत गई है नूब गेमर की टीम। और भाई ये पहला मैच है और आखिरी मैच है जो कि 3v3 हो रहा है, क्योंकि ये क्लैश स्क्वाड का सीरीज है। बाकी और जो है टीम्स का मैं ये नहीं सुनूंगा कि प्लेयर नहीं आया है, ये नहीं आया है। ये लास्ट मौका पे ये रिप्लेसमेंट टीम थी, लास्ट मौका में इन्हें मालूम नहीं था, इसलिए ये लोग तैयार नहीं हुए। बाकी सारे टीम्स को मैं बोल दे रहा हूँ पहले से, वो लोग अपने टाइम के हिसाब से टीम्स को रेडी रखे। और यहाँ मैच हुआ स्टार्ट। ओ भाई खुद को ही कर लिया पैक, क्या ही कर रहा है। इसका एक बंदा कहाँ गया, केजी शायद। अच्छा यहाँ पूरी टीम को भी देख लेते हैं, फायर डॉन डबल वेक्टर नॉट अलाउड, या किसी ने नहीं लिया। अरे भाई क्या ही कर रहे हो यार, जंपिंग के पाक ओनली। फाइट कब होगा, और यहाँ फाइट हुआ क्या, और यहाँ फायर गेम हो गया 9। मिस्टर पंकज क्या हुआ फर्स्ट ब्लड, 38 बाकी है मिस्टर आयुष FF। तो देखते हैं इस गेम को अकेले, क्योंकि यहाँ मैच है 1v3 का। बहुत लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं, शैडो का हो गया डबल किल। और भाई हाईएस्ट किलर के नेम में कैची शैडो और मिस्टर आयुष FF दोनों बंदे ने दो दो किल किया है, लेकिन फायर आर्मी की तरफ से यहाँ फायर डॉन और फायर किंग, ये दोनों भाई 0-0 किल पे है। असर नहीं चलेगा यार बिल्कुल भी। फिर भी अभी बहुत मौका है, अभी 3 मौका है वापस से बाउंस बैक करने का। और यहाँ दो राउंड जीत गई है नूब गेमर की टीम। भाई एनजी कैप्सन बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, ये दो बार लगातार क्लासिक टूर्नामेंट भी खेल जीता, 300 डायमंड्स का गिवअवे जीता। वो भाई क्या ही करना चाह रहे हैं तुम लोग। ये लोग करने लगा है कैंपिंग, अपोजिट टीम को देखते हैं, यहाँ मिस्टर पंकज कर रहे हैं, तीनों बंदे यहीं पे। ओ भाई वहाँ कोई बंदा है नहीं, मिस्टर पंकज उसके फिराक में, सारे बंदे एक ही पास में। ओ भाई एनजी कैप्टन का हुआ फर्स्ट ब्लड। राम से कचरा हो गया, और एनजी कैप्सन का हुआ ट्रिपल किलर। भाई अकेले ही पूरे टीम को संभाल लिया, और यहाँ 4 किल हाईएस्ट किल पे पहुंच गए एनजी कैप्सन, और यहाँ 3 राउंड जीत गई है नूब गेमर की टीम। भाई फायर आर्मी क्या ही कर रहा है ये फायर आर्मी।
डॉन और किंग दोनों बंदे भाई सस्ते में निपट जा रहे हैं बार बार 0-0 फील्ड पे। अभी से कुछ नहीं हुआ तो समझो कि ये मैच हाथ से निकल जाएगा, तीनों एक ही साथ है। पीछे से आ जाएगा भाई लोग, और यहाँ देखते हैं मैच कितना इंटरेस्टिंग होता है। फिर वन साइड हो जाता, इस साइड बंदे हैं राइट साइड, एक बंदा हो गया नॉक फायर किंग। ओ भाई कचड़ा हुआ यहाँ, का हुआ फर्स्ट ब्लड। ओ भाई क्या ही चल रहा, दोनों बंदे फिर से हो गए नॉक। मिस्टर आयुष एफएल केला बाकी है, यहाँ फिर से मैच हो गया 1v2। तो देखते हैं मिस्टर आयुष एफएल को कि इनको कौन करता है खत्म। ओ भाई तो शॉटगन आना चाहिए काम में, पीछे ही जाएगा अब हम। ओ भाई यहाँ क्रोनो काम आ गया, क्रेजी शैडो का हुआ डबल किल। यहाँ लग रहा था कि एक राउंड जीत जाएगी फायर आर्मी, लेकिन मिस्टर आयुष एफएफ को कोई दे नहीं रहा सपोर्ट, और यहाँ 4 राउंड जीत गया नूब गेमर की टीम। और मिस्टर आयुष एफ ए भाई ये बंदा खेल रहा जबरदस्त, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा इसको। एनजी कैप्शन हाईएस्ट किलर 5 किल के साथ। ओ भाई अरे इतना कूद लिया, खुद में कंफ्यूज हो गया जाना कहाँ। इधर ही बंदे हैं, करना क्या चाह रहा है, फायर डॉन, फायर डॉन आ रहा पीछे, और खुद हो गया नॉक और खत्म ही। मिस्टर पंकज का हुआ फर्स्ट ब्लड, फायर टीम आराम से इंतजार कर रहे हैं मिस्टर आयु। होगा रिवाइव भी, रिवाइव हो रहा है, हो रहा है और हो भी गया। ओ भाई और फायर किंग यहाँ हो गया खत्म, फायर किंग ने अरे भाई वो भी खत्म है। मिस्टर पंकज का हो गया यहाँ डबल किल, और 5 राउंड जीत गई नूब गेमर की टीम। भाई लोग जो भी न्यू है चैनल पे लाइक से सब्सक्राइब करो यार, छोटा मोटा चैनल है, अभी बहुत बड़ा बड़ा गिवअवे आने वाला। और यहाँ पे भाई हाईएस्ट किलर में एनजी कैप्शन और केजी दोनों हैं 5-5 किल पर, लेकिन फायर डॉन और फायर किंग ओ भाई दोनों बंदे लग रहा है 0 किल पे ही सीरीज खत्म करेंगे। इस मैच में अभी तक इन लोगों का खाता खुला नहीं है, बिल्कुल भी टीम सपोर्ट देख नहीं रहा है भाई। मिस्टर आयुष एफएफ अकेले कितना मारेगा यार, कम से कम उसको सपोर्ट भी कर दो तो जिता देगा। अब जिता क्या देगा, अब तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। ओ भाई हेड तो लगा लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ। हेलो उधर बंदा यार, सब जगह बंदा ही बंदा है। और मिस्टर पंकज आए हैं यहाँ पे, वाह कितना आराम से मैच चला रहा है।
और यहाँ कैप्टन का वो फर्स्ट ग्लव। अब मिस्टर आयुष एफ है, फायर टीम हो गया नॉक। ओ भाई गया, और एनजी कैप्शन का हुआ डबल किल और 7 किल को पहुंच गया एनजी कैप्शन। और यहाँ नूब गेमर की टीम भाई 6 राउंड जीत गई है, 1 राउंड और जीती और यहाँ मैच हो जाएगा ख़त्म। फायर आर्मी क्या ही बताऊँ यार, क्या खेल रहे हो तुम लोग। फायर किंग फायर डॉन दोनों है 0-0 किल पे। मिस्टर आयुष एफ एफ जो है अकेला बंदा खेल रहा है, लेकिन अभी अकेले कितना ही संभाले, 4 किल किया हुआ है मिस्टर पंकज के बराबर। ओ भाई यहाँ मिस्टर पंकज निकल गए, यहाँ न्यूज गेमर की टीम कर दी है रस। अरे एनजी कैप्टन कहाँ जाना चाहते हैं भाई, दीवार फोड़ के जाएगा। और यहाँ केजी शैडो, अरे भाई जिसका पंकज हो गया ना, फायर टीम का बहुत फर्स्ट ब्लड भाई, पहला किल मुबारक। का हो गया ट्रिपल किल और यहाँ पे राउंड जीत गई, राउंड क्या पूरा मैच जीत गई है यहाँ पे नूब गेमर की टीम। फायर आर्मी भाई यार थोड़ा मेहनत करनी की है जरूरत। और यहाँ हाईएस्ट किलर है एनजी कैप्शन 10 किल पे। भाई लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं हम नेक्स्ट मैच में, बाय बाय। सीजन 3 में आप सबका स्वागत है, और ये दूसरा दिन का है आखिरी मैच, जो कि एक इंडिया वर्सेज माफिया गैंग के बीच में है। ये री डबल एक्स, ये माफिया रोहन है भाई, इसकी मेन आईडी पे किसी ने रिफंड मार दिया, इसकी मेन आईडी हो गई है बैन। तो भाई ये पहले से ही नो आईडी रजिस्टर कर लिया यहाँ पे। और यहाँ दोनों टीम आगे बढ़ रही है, देखते हैं भाई जीतता कौन है। एस इंडिया का भाई गेम बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और यहाँ से रिप हो गया नॉक, एफ आर ओ का वो फर्स्ट ब्लड। डबल वेक्टर यहाँ डबल किल भी हुआ, लेकिन यूज हुआ नहीं है, नेक्स्ट राउंड में निकाल दे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर हाँ बहुत बढ़िया निकाल दिया, नहीं तो फिर इसी गलती से इसकी टीम हो सकती थी एलिमिनेट। और यहाँ एजी अभी वाइपी का हुआ डबल किल, और जबरदस्त गेम प्ले दिखा यहाँ पे। और भाई यहाँ पे क्या ही करे यार, इतना ग्लोअर लगाओगे खुद फंस जाओगे उसमें। ये भी बंदा, ओ भाई गजब। और यहाँ हुआ फर्स्ट ब्लड अभी का, कौशिक हो गया खत्म। ओ भाई ओ हो,
और यहाँ एक और बंदा जाएगा, इंडिया घेरे में, और यहाँ अभी बाकी का डबल किल, क्या शानदार खेल रहा है यार। अब सिर्फ गॉड बाकी है, इसको देखने अब ये भी बाकी नहीं है और ख़त्म। एफ राहुल का हुआ डबल किल और यहाँ दो राउंड जीत गई है एफ इंडिया माफिया गैंग की। एकदम भाई हालत ख़राब हो गई है उसके, कोई बंदे चल नहीं रहे हैं, सिर्फ ये गॉड भाई और क्या नाम लिखा है सही बताओ मुझे नहीं मालूम, बस इनका एक किल हुआ है। अपोजिट टीम से एफ अंकित, ये है भाई जीरो किल पर, लेकिन क्या ही बोले फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाकी टीम उसकी संभाल रही है। लेकिन यही माफिया गैंग को भाई जरूरत है। ये मिला रिपेयर केट और यहाँ एफ इंडिया की टीम रश कर चुकी है, सामने है माफिया गैंग। देखते हैं माफिया गैंग इस बार सही जवाब भाई दे पाता है या नहीं। ओ भाई यार शॉटगन है, इसको लॉन्ग रेंज बना दिए हो तुम। और यहाँ पीछे से बंदा आया, ध्यान दिया नहीं, अभी अभी वाइटिंग में दे दिया था शॉट और ये अभी नॉक। ओ भाई और अब अरिजीत को देख लेते हैं, अकेला प्लेयर बाकी है। लगता है देख लिया और यहाँ पे खत्म। कितने देर में बाकी सारे टीम आ जाएंगे, ओ भाई फंस गए इसमें। और यहाँ एफ आर ओ ने अरिजीत को कर दिया खत्म और भाई हाईएस्ट किलर है एजी अभी वाईटी 6 किल। यहाँ 3 राउंड जीत चुकी है एजी एफ इंडिया, बहुत शानदार गेम प्ले यार। यहाँ पे माफिया गैंग की बिल्कुल एकदम यार चड्डी फाड़ दे रही है ये लोग, क्या ही कर रहा है यार माफिया गैंग का ये प्लेयर कर नहीं रहा। यहाँ लगता है कौशिक बन गया है बॉट, बिल्कुल यहाँ कौशिक बन गया बॉट, यहाँ नहीं चल रहा। अब क्या ही बोलोगे उसको, थोड़ा सा बैड लक हो गया है माफिया गैंग पे और ये गॉड क्या कर रहा है। कौशिक वहां नॉक हो भी गया और शायद खत्म भी हो जाएगा बहुत जल्द। और जीत का हाल जानते हैं, जीत के आगे पीछे हर जगह बंदे ही बंदे हैं। ओ भाई इसको दिया शॉट और यहां गॉड का हुआ फर्स्ट ब्लड। और यहाँ जीत ने एफ आर ओ को किया खत्म और यहाँ पहला राउंड जीत गई है माफिया गैंग। ओ भाई एक बंदा एलिमिनेट ले तेरी और बैड लक इनको लिए, इनका जो मेन प्लेयर है गॉड जो किल कर रहा था वो हो गया एलिमिनेट। एक तो बॉट ऑलरेडी है कौशिक, सिर्फ 2 प्लेयर है यहाँ, मैच समझो 2v4 चलेगा। ये फ्री फायर का भाई ग्लिच है, कस्टम है, बंदे खड़े खड़े एलिमिनेट हो जाता है अपने आप। अब भाई इसको क्या ही बोलोगे, यहाँ सिर्फ 2 बंदे, यहाँ मैच होगा 2v4, यहाँ रिप सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रहा बिल्कुल और वहाँ कौशिक हो गया नॉक। अब बाकी है सिर्फ अरिजीत, और यहाँ अरिजीत भी हो गया है नॉक और रीप की बात हाल जानते हैं। अरे रीप यार उस पर
क्या ही बताया, वहाँ अरिजीत बच सकता था ऊपर से क्योंकि ये अटैक हो सकता था, बिल्कुल हेड लग गया। ओ भाई अब यहाँ हरीफ अकेला बाकी है और ये समझो खत्म, है नहीं। और यहाँ ए फारो का वर डबल किल और यहाँ चार राउंड जीत गई एफ इंडिया। और यहाँ सबसे हाईएस्ट किलर है जी अभी वाइट की 7 किल पर। ये तो भाई ओम चलाने में बेस्ट है, नहीं तो और भी ज़्यादा किल हो सकता था। यहाँ कर रहा डबल ओम की प्रैक्टिस। और ये फंकित का तो खाता खुल गया 1 किल पे। और यहाँ गॉड 3 किल पे, रिप 3 किल पे, गॉड आ गया है वापस। देखते हैं इनका मसीहा बनेगा माफिया गैंग के लिए, लेकिन बताए ये इसके आने के बाद भी मैच जो है बराबर नहीं है, ये होगा 3-4। ए जी अभी वाइटी का वो फर्स्ट ब्लड कौशिक हो गया ख़त्म। ओ भाई इधर बंदे आ गए, इधर बंदे आ गए, शॉटगन की पड़ेगी ज़रूरत। अरे भाई हम तो पास जाओ, बहुत घटिया टीम सपोर्ट करता। और यहाँ खत्म करो, हेड लगा है। अरे जीत का हुआ डबल किल। और यहाँ अरिजीत का हुआ ट्रिपल किल। ओ भाई दोनों बंदे ने संभाल लिया, यहाँ गॉड और अरिजीत ने दोनों पहुँच गए 4-4 किल पे। और यहाँ 2 राउंड जीते माफिया गैंग। माफिया गैंग का भाई नाम ख़राब होने नहीं दिया बिल्कुल, लेकिन ये कौशिक का भाई क्या करें, इसका तो नेट ही गायब है। अब इसको कह सकते हैं फूटा किस्मत, लेकिन अब जो भी है वो तो है। और 8 किल पे पहुंच गए जी अभी भाई। ओ भाई पिछला राउंड में गड़बड़ हुआ था ओम के चलते, इस वजह से इस बार लिया शॉटगन, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि पैसे ना हो। ओ भाई ये कौशिक इसका हेल्थ खा गया, बॉट बन के हेल्थ खा गया इसका। और यहाँ जीत ने फारो को किया खत्म। ओ भाई यहाँ ए जी अभी वाइटी भी हो गया ख़त्म। यहाँ एफ राहुल है 3 किल पर और ये पहुँच रहा है, लेकिन बंदे यहाँ है नहीं। एक बंदा तो नीचे है, और यहाँ से फिर से हरेप का डबल किल। भाई तीनों बंदे 5-5 किल, एक बंदा को तो छोड़ ही दो वो तो चला गया है, लेकिन यहाँ तीनों बंदे भाई बहुत अच्छे टीम वर्क के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ 3 राउंड जीत गया माफिया गैंग की टीम। ये लोग जैसे खेल रहे थे लग नहीं रहा था कि कोई भी राउंड जीतेगी, क्योंकि एक बंदे यहाँ पे मैच हो रहा है डायरेक्ट 3-4। लेकिन यहाँ 3 राउंड जीत गए यहाँ माफिया गैंग। ओ भाई एक चलाएंगे यहाँ लॉन्ग रेंज संभालेंगे, 2 बंदे कर दिए हैं बस। अरे जीत भी पहुंच गया नीचे, अरे रे रे वहाँ मारा जा सकता था। और यहाँ जीत ने एफ राहुल को किया खत्म,
बहुत बढ़िया गेम प्ले। और यहाँ मैच तो ऑलरेडी 3-3 है ही। और ये हुआ नॉक खत्म, रिजिट ने अंकित को कर दिया खत्म। और यहाँ एफ आर से भी है हालत खराब। ओ भाई बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, एफ आर भी हो गया खत्म। अब सिर्फ बाकी है जी अभी वाईटी, तो इनसे थोड़ा बात करते हैं, मिल लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैच हो गया 1-3। और यहाँ गॉड का हुआ डबल। और यहाँ बिल्कुल बराबरी पे पहुँच गया माफिया गैंग, 7 किल पे है गॉड जो कि सबसे हाईएस्ट है माफिया गैंग की तरफ से। और अरिजीत और रीप दोनों भाई जस्ट पीछे 6-6 किल पे। ओ भाई क्या ही शानदार मजा, एकदम से वक्त बदल गया यार। और यहाँ मैच माफिया गैंग भाई 3-4 करके यहाँ 4 राउंड जीती, बहुत बड़ा बात है ये। अब देखते हैं सामने वाली टीम की क्या हाल है, एफ इंडिया की। पहले का तो गेम प्ले देखने से लग रहा था कि माफिया गैंग 1 राउंड भी ना जीत पाएगी, लेकिन यहाँ बराबरी पे पहुँच गई है माफिया गैंग, वो भी 3-4 करके। ये बहुत बड़ा बात है। ओ भाई बहुत शानदार, पीछे बंदा आई थिंक अभी अभी हुआ, लेकिन पीछे से हुआ अटैक। और यहाँ गॉड हो गया नॉक, बचा है फिलिप। और यहाँ रीप हो गया एलिमिनेट, बहुत गलत हुआ ये। और यहाँ 5 राउंड जीत गए एफ इंडिया, लेकिन अभी जस्ट पीछे है यहाँ पे माफिया गैंग। देखते हैं क्या होता है, ये है आखिरी मैच। भाई लोग जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन हो जाओ ताकि उसमें जो भी टूर्नामेंट्स है उसके सारे इन्फॉर्मेशन उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, आईडी पासवर्ड एवरीथिंग। वो भाई इसको फिर से कनेक्ट करना चाहिए था कौशिक को, वापस से रिकनेक्टिंग में आ जाता है। अब पता नहीं उसने ट्राई किया या फिर कनेक्ट हुआ ही नहीं, वो अलग बात है। यहाँ ए फंकित, ओ भाई उधर से कर दिया है पैक, एक इधर बंदा शायद उसके पीछे एक, क्योंकि ये लोग अरे 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 बहुत शानदार गेम प्ले यहाँ। यहाँ एक जी को भी किया खत्म अब यहाँ, लेकिन अभी भी और भी 2 लोग हैं। बहुत शानदार गेम प्ले। अरे गॉड को चाहिए यार सपोर्ट। और यहाँ गॉड का हुआ डबल किल, और यहाँ बराबरी पे फिर से पहुंच गया माफिया गैंग की टीम। दोनों टीम एफ इंडिया और माफिया गैंग दोनों टीम 5-5 राउंड जीती है। और यहाँ एजी अभी वाई टी को एकदम बिल्कुल टक्कर दे दिया है। हाँ गॉड 9-9 किल हाईएस्ट किलर ऑफ द मैच। ओ भाई इतना शानदार गेम प्ले एकदम बिल्कुल से यार मजा आ गया। मुझे तो देख के लगा था कि ये मैच पूरा एक तरफा हो जाएगा, लेकिन यहाँ माफिया गैंग का भाई बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले, वापस से बाउंस बैक किया
भाई सब वन टैप की कोशिश में लगे हुए हैं, अपोजिट टीम भी। ओ भाई ओ भाई यार जीत हो गया वहाँ नॉक, बहुत आसानी से यार जीत को कर दिया खत्म। और यहाँ पे अब लग रहा है कि जीत जाएगी ये राउंड, तो लग रहा है कि जीत जाएगी यहाँ पे एफ इंडिया की टीम। एक भी यार कनेक्ट नहीं हो रहा बिल्कुल। और यहाँ पे गॉड हुआ नॉक, लेफ्ट लूप में किया खत्म, बहुत शानदार बहुत शानदार। ओ भाई उसका हुआ डबल किल, अरे वो बंदा आ गया। और यहाँ ये जी अभी वाइटी का हुआ ट्रिपल किल, बहुत शानदार गेम प्ले था। रीप का 10 किल पे पहुँच गया, लेकिन ये जी अभी वाइटी पहुँच गया 12 किल। और यहाँ 6 राउंड जीत गई एफ इंडिया की टीम। अगर माफिया गैंग को जीतना है तो 2 राउंड लगातार जीतने होंगे, तो बस 1 राउंड जीतेगी यहाँ पे एफ इंडिया और ले लगी भैया। भाई हेडशॉट का यहाँ प्रैक्टिस, सब यहाँ निकल चुकी है टीम। ये तीनों बंदे एक साथ रहेंगे तभी फायदा है। ग्लूअल भाई थोड़ा कंट्रोल में लगाओ यार, लास्ट में ऐसा ना हो ग्लूअल में फंस जाने की वजह से फिर हो जाए दिक्कत। तीनों बंदे एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये कर रहे हैं मौके का इंतजार, अरिजीत भी यहीं आ गया। ओ भाई दो बंदे कर रहे हैं इधर से उधर, अरे जीत पहुंच गया। गॉड भी यार मोचा यहाँ संभाला हुआ है, यहाँ देखते हैं मैच में क्या ही होता है। कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा है यहाँ मैच। घेर रही है यहाँ, अरे जीत आगे आगे निकल रहा है, इसके खतरा हो सकता है। और यहाँ रिप डबल एक्स का हुआ फर्स्ट ब्लड, और यहाँ पे नॉक, और यहाँ रिजीत ने आरओ को किया खत्म। ओ भाई अब यहाँ से एक अंकित बचा है, इसको हम अकेले देखते हैं क्योंकि यहाँ मैच है 1v3 का, और रहा नहीं 1v3 का, और ये मैच गया लास्ट राउंड। 10 किल पे पहुंच गया गॉड भी, और जी डबल एक्स तो भाई 12 किल पे पहुंचा है। ये जी अभी वाइटी को दे रहा है टक्कर हाईएस्ट किल में। भाई लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ये है आखिरी मैच आज का। इस मैच के बाद मिलेंगे अब डायरेक्ट डे 3 में, और यहाँ मैच चल रही है 3v4, उसके बाद भी बराबर का टक्कर हो भाई, एक और बंदा इसका आ जाता तो समझो क्या ही था। उस टाइम तो लग रहा था कि एक तरफा मैच हो जाता, फिर जब 3 बंदे यहाँ 4 को टक्कर दे रहे हैं। अब देखते हैं भाई ये मैच पूरा इंटरेस्टिंग हो गया, 3v4 फाइनल राउंड, दोनों में से जीतता कौन है। ओ भाई चढ़ नहीं पा रहा ये, यहाँ री भाई अकेले अकेले क्यों नहीं जा रहा, बाद में खतरा हो सकता है। किधर फाइट हुआ स्टार्ट, इधर तो कोई फाइट स्टार्ट नहीं हुआ। रिजीत जा रहा है पीछे पीछे,
भाई छत पे भी चढ़ा हुआ ये लोग हो सकता है, बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं। ओ भाई पॉइंट, और यहाँ रिजीट है 8 किल पे, देखते हैं क्या होता है यार। अभी मैच में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, दोनों टीम कर रहा है कैंपिंग शॉर्ट रेंज में फाइट लेने के लिए, क्योंकि शॉर्ट रेंज में फ़ायदा हो सकता है एफ टीम को, क्योंकि वो लोग 4 हैं और ये है 3। उसके बाद भी बहुत शानदार गेम प्ले दिखाया और बराबर का टक्कर दिया। चलो इधर से तब कोई आएगा नहीं, अब आएगा सामने से ही या फिर इस घर से, खिड़की को करो पैक और निकल जाओ। यहाँ रिजीत पहुंच गया, ओ भाई ये तो मजाक हो गया इसके साथ। रिपेस्ट का काम है यहाँ, रिप जाई कर रहा और यहाँ बंदा हो गया रिवाइव। और यहाँ एएफ इंडिया बहुत शानदार मुकाबला से जीत गई, माफिया गैंग हल्का सा गले हार गए। हाईएस्ट किलर में दीप और अभी वाइटी दोनों हैं 13-13 किल पे, क्या ही बोलूं भाई। यहाँ पे मैच तो पूरी तरह से 3v4 चल रहा था, उसके बाद भी बराबर का टक्कर दिया है माफिया गैंग ने, बहुत शानदार गेम प्ले लेकिन थोड़ा सा बैड लक। भाई लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल डेट 3 में, बाय बाय।